Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Tehsin Akbar, my name. Aaj hamara topic hai top 5 Muslim commanders, generals or leaders. First one is Tamur. Tamur is a great leader. और वॉरियर थे, एक सिपर स्लार थे. अफगानिस्तान में पैदा हुए 1405 में. सो तैमूर ने अफगानिस्तान, ईरान और मिस्र वगैरह जो है वो उन्होंने फतह किए और एक बहुत बड़ी रियासत बनाई. हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु. हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में आप सब जानते हैं, वो एक बहुत ही अच्छे सिपा सलार थे. 128 जंगें लड़ी जिनमें से कोई भी नहीं हारे थी. तमाम जंगों में उन्होंने किरदार अदा किया. एज ए सिपा सलार उन्होंने सबसे ज़्यादा रकबा जो है पता किया इस्लामी दुनिया का, सबसे बड़ा रकबा उन्हें मोहम्मद द कोक्रेन मेथन टू. ये तुर्की के थे और इन्होंने बहुत बड़ी रियासत बनाई और उस दौर की जदीद तरीन तोपें बनाई जो कि जर्मन तोपों से 4 गुना बड़ी थी. और इन्होंने रोम का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर कुस्तनतुनिया फतह किया. और कुस्तनतुनिया जो कि पिछले 40 साल से मुसलमानों से फतह नहीं हो रहा था वो इन्होंने फतह किया. और बहुत ही बड़े लीडर थे, बहुत ग्रेट इन्होंने जंगें लड़ी. तो इतनी बड़ी तोप बनाने वाले ये पहले मुसलमान बादशाह थे. फोर्थ वन इज़ अ मोहम्मद ऑफ गजनवी. मोहम्मद ऑफ गजनवी जो है वो हिंदुस्तान एक के जो है ना वो थे. इन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रकबा जो है वो फतह किया था. तकरीबन तमाम हिंदुस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान ये तमाम रकबा इनके कब्ज़े में था. अरब की रियासतें, क्योंकि अरब भी मुसलमानों के पास था उस वक्त, अरब की रियासतें, कुछ यूरोप का कुछ हिस्सा जो इन्होंने फतह किया था. लास्ट वन इज़ अ सलाहुद्दीन. सुल्तान सलाहुद्दीन इज़ अ ग्रेट वॉरियर लीडर, इज़ अ ग्रेट मैन. ये बहुत नेक इंसान थे और बहुत ही अच्छे हुक्मरान भी थे. इन्होंने अपनी कौम की बहुत ज़्यादा हफाजत की, ऐसे किले बनाए जो कि बहुत ही जदीद थे और इस तरह के थे कि वो टिपिकल किस्म के शहरों की हिफाजत कर सकें जो कि बहुत ही किसी भी जंग की सूरत में बहुत ही अहम सवर की जाते थे. कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.